हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज हम देखने वाले हैं डिजिटल मीटर के बारे में। चलिए देखेंगे। आप देख सकते हो ऐसे स्टार्ट होता है डिजिटल मीटर SP125 का। और एक बेसिक थिंग है, इधर लेफ्ट का इंडिकेटर और ये राइट का इंडिकेटर, और ये न्यूट्रल गियर शिफ्टिंग है। उसके बाजू में है एरर डिटेक्टिंग डिवाइस। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो ये ब्लिंक करता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये डिपर है, डिपर और पासिंग लाइट कह सकते हैं हम लोग। और ऊपर आप देख सकते हो ये एको मोड है, मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रीन लाइट आता है, देखो देखे आप 30 से 60 किलोमीटर कब जा रहे हो होता है ना, उस समय ये ग्रीन लाइट शो करता है। उसका मतलब है आप इकोनॉमी में जा रहे हो, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे। ये पेट्रोल का क्वांटिटी बताता है, और ये स्पीडोमीटर, और ये टोटल किलोमीटर्स कितना इस गाड़ी भागा है, इतना 2297। और इधर टाइमिंग है, ये टाइम हम सेट कर सकते हैं, मैं आपका दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं। और ये गियर शिफ्टर है, ये गियर डिस्प्ले करता है। अभी न्यूट्रल है, देख लिया पहला गियर, और फिर से न्यूट्रल। इसे हम इधर ही डिजिटल में देख सकते हैं। और इसका और एक है, दो बटन ही दिया गया है। ये सेटिंग बटन है, हम इसे सेट कर सकते हैं। आप इस देख सकते हो टोटल किलोमीटर, और ये ट्रिप। इस गाड़ी में दो ट्रिप है, ट्रिप ए और ट्रिप बी, ठीक है। और ये गाड़ी चलाने वक्त दिखाता है कितना स्पीड में, कितना एफिशिएंसी में जा रहे हो आप लोग। और ये गाड़ी का एवरेज है, माइलेज नहीं, एवरेज, ओके। और ये रेंज है, इतना पेट्रोल में आपका गाड़ी 524 किलोमीटर जा सकता है, ऐसा एवरेज रेंज बताता है, ठीक है। ये सब छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिस्प्ले। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, कोई डाउट है तो कमेंट्स करो, ठीक है। बाय।